टर्मिनल वेलोसिटी। इमेजिन करें आपके पास, या आप इमेजिन करें कि कोई स्काई डाइविंग करता है तो ऊपर बहुत हाइट से गिरता है, तो जब वो फ्री फॉल में आता है उसकी वेलोसिटी पहले जीरो है जब वो जंप कर रहा है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, बहुत किलोमीटर नीचे जाना है, तो क्या होगा, एयर की रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करेगी। कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी बहुत इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों बोलते हैं टर्मिनल, मैं बताता हूँ। और वेलोसिटी इंक्रीज होना क्यों बंद हो जाती है, बिकॉज एयर की वजह से फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वेलोसिटी बढ़ नहीं पाती। उसी तरीके से मान लें आपके पास एक स्फेयर है, लोहे का स्फेयर है, आप समुंदर में चले गए, उसमें आपने ड्रॉप कर दिया, बहुत किलोमीटर नीचे जाना है स्फेयर को, तो यू इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, वो स्फेयर इंक्रीज करेगा वेलोसिटी, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, पानी की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। पर ऐसा हुआ क्यों, तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि अगर आपने एक स्फेयर लिया और उसको लिक्विड में डाल दिया तो कौन इसको नीचे लेके आएगा, इसका वेट। इसका वेट क्या है, mg, mg का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³ इंटू डेंसिटी ऑफ स्फेयर इंटू जी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और कौन सी फोर्स इस पर एक्ट करेगी, अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट क्या है, वी इंटू सिग्मा इंटू जी। अब थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी यूज करते हैं, लिक्विड की। और अब एक नई फोर्स हमने सीख ली, वो क्या, स्फेयर के ऊपर 6πeV। तो अब एक विस्कस फोर्स भी एक्ट करेगी इसके ऊपर, पर प्रॉब्लम यह है कि इनिशियली विस्कस फोर्स जीरो होगी, क्योंकि आपने जब हाथ में पकड़ा हुआ है स्फीयर तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो विस्कस फोर्स क्या है, जीरो, तो वेट तो बड़ा ही होगा थ्रस्ट से, तो ये डूबता जाएगा। जैसे इमेजिन करो इस टॉपिक में वेट तो कांस्टेंट है, मान लो वेट की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, तो मान लो यहाँ पर अप थ्रस्ट कितना है, 2 न्यूटन है, वेट 10 न्यूटन है, अप थ्रस्ट 2 न्यूटन है, ये दोनों कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होते। तो शुरू में क्या हुआ, नेट वेट कितना है, 8 न्यूटन से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, तो विस्कस फोर्स इनिशियली क्या थी, जीरो थी। तो जैसे ही नीचे एक्सेलरेट हुआ वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई, 1, 2, 3, 4, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। जैसे शुरू में फोर्स वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो 1 न्यूटन फोर्स है, 2 न्यूटन फोर्स है, 3 न्यूटन करते 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 कभी ना कभी कितनी हो जाएगी, 8 न्यूटन। जैसी 8 होगी, नीचे की फोर्स कितनी है, 10, ऊपर की फोर्स कितनी हो गई, 2 और 8 कुल मिला के कितनी, 10। तो ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर हो गई। अभी एक्सेलरेट करना बंद कर देगा, डूबेगा तो सही, लोहे का स्फेयर है, अभी एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये नीचे गिरेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जाती है, और कभी ना कभी नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ऐसा क्यों हुआ, तो जब टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी अटेन, तो नीचे का वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग, इक्वेट कर दिया। यहाँ से ये वाली टर्म राइट पे चली गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी आ गया, वी की वैल्यू आ गई। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आप इसको याद करेंगे फॉर्मूला, इसमें लिख लें, इसमें जो पहली डेंसिटी होती है ये किसकी डेंसिटी होती है, बॉडी की, और दूसरी डेंसिटी किसकी होती है, लिक्विड की। इसे लिख लें प्लीज़।